नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। दोस्तों, रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूँ। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। तो आइए दोस्तों देखते हैं रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और यह भी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। देखिएगा, प्रश्न कह रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में बुक BOOK को 86 तथा READ रीड को 56 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में GOOD गुड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न आते हैं कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, पहले हम दोस्तों देखेंगे ये बुक को कैसे 86 लिखा है, कैसे दोस्तों रीड को 56 लिखा है, उसी प्रकार दोस्तों हम गुड को लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम करेंगे पहले नंबरिंग। नंबरिंग कहने का मतलब है दोस्तों, बी कितने नंबर पे ABCD में आता है, बी कितने नंबर पे आता है। अब ए पहले नंबर पे आता है, बी दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। इस प्रकार से नंबरिंग किया जाता है। बी दो नंबर पे आ गया, ओ दोस्तों कितने नंबर पे आएगा, ए एक नंबर पे आता है, बी दो नंबर पे, सी तीन नंबर पे, ऐसे करेंगे दोस्तों। तो ओ कितने नंबर पे आएगा दोस्तों, ओ 15 नंबर पे आता है, ठीक है। एक और ओ है, ए भी कितने नंबर पे आएगा, 15 ही नंबर पे आएगा वो, ठीक है। ये के है दोस्तों, के कितने नंबर पे आता है, तो के दोस्तों आता है आपका 11 नंबर, यानी 11 नंबर पे। अब क्या करिए दोस्तों, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़िए, ठीक है। दो और 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 2 17, और 17 में दोस्तों 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 में दोस्तों 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 में दोस्तों 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 43। कितना हो जाएगा, 32 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 43। और ये 43 को लिखा क्या है दोस्तों, 86 लिखा है। क्या लिखा है, 43 को 86 कैसे बना सकते हैं हम, इसको दो गुना अगर जो कर दे दोस्तों, 43 × 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा। ये कर क्या रहा है, पहले में क्या किया दोस्तों, सभी को नंबरिंग कर लिया है, आपस में सभी को जोड़ लिया है जितनी संख्याएं हैं, ठीक है, और उसका दो गुना करके और यहाँ पे 86 लिख दिया है। अब देखेंगे क्या ये दूसरा भी इसी प्रकार से सॉल्व हो रहा है। देखिए, आर दोस्तों कितने नंबर पे आता है, आर आप बोलेंगे दोस्तों कितने नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है। उसके बाद क्या है दोस्तों, ई है, ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। ए है, उसके बाद ए कितने नंबर पे, ए पहले नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। और डी कितने नंबर पे आता है, डी आता है 4 नंबर पे, ठीक है। अब चलिए इसको जोड़िए, 18 × 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 23 1 24, और 24 × 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, ठीक है। और 28 का दोस्तों दो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 28 × 56 यानी 56 हो जाएगा। और देखिए यहाँ 56 लिखा हुआ है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न इस टाइप से हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये क्या हो गया दोस्तों, 56 हो गया। चलिए अब इसको, अब जो लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, गुड को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो उसको भी हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। कैसे, तो देखिए, जी दोस्तों कितने नंबर पे आता है, आप बोलेंगे 7 नंबर पे आता है जी। ओ दोस्तों कितने नंबर पे आता है, ओ आता है 15 नंबर पे। और एक और ओ है, ए भी कितने नंबर पे आएगा, ए भी आएगा आपका 15 नंबर पे। उसके बाद क्या है दोस्तों, डी है, डी कितने नंबर पे आएगा दोस्तों, 4 नंबर पे। चलिए, 7 और 15 जोड़ेंगे 22, और 22 और 15 दोस्तों जोड़ेंगे हो जाएगा 37, और 37 में दोस्तों 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 41, क्या हो जाएगा, 41। और इसका दोस्तों दो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 41 गुना क्या होता है, 82, आप गुणा करके देख भी सकते हैं, 41 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 82 हो जाएगा। तो गुड को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो गुड का कोड हो जाएगा दोस्तों 82। 82 किस ऑप्शन में है देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी में है आपका, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा दोस्तों इस टाइप के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अभी शेयर कर दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो शेयर भी जरूर कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक है कहाँ, यहाँ पे लास्ट में देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहीं पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। पहले तो दोस्तों हम इस सीरीज को देखेंगे, सीरीज में संख्याएं कैसी है, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न
को कैसे सॉल्व किया जाता है समझिएगा। 9 है, 11 है, 20 है, उसके बाद से 31 है, 51 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। जब दोस्तों ऐसे प्रश्न आए तो आप क्या करेंगे, इसमें आप अंतर नहीं देखेंगे, न गुणा करेंगे, 9 के बाद देख रहे हैं 11 है, 11 के बाद 20, 20 के बाद 31, 31 के बाद 51, ठीक है ना। इसको दो गुना करेंगे, दो गुना भी नहीं कर सकते, 9 के बाद 11 है, ठीक है, इसलिए आप दो गुना भी नहीं सोच सकते। तब कैसे इसको सोचेंगे, देखिएगा पहले क्या करना है दोस्तों, पहले आप वीडियो को सॉल्व करने से पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश किया करिए प्रश्नों को, ठीक है। अपने आप से कोशिश करेंगे तो आपका क्या होगा दोस्तों, सॉल्व करने की जो शक्ति है ना वो ज्यादा विकसित होगी और आप भी प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करने लगेंगे, जल्दी से आपका भी माइंड चलने लगेगा, ठीक है। तो क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करना है, उसके बाद मैं बता रहा हूं, उसके बाद देखिए, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, 9, 11, 20, 31, 51, तो थोड़ा सा दोस्तों इस प्रश्न में ध्यान लगाएंगे। अगर जो दोस्तों हम पहला और दूसरा संख्या 9 और 11 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये तीसरा संख्या 20 आ जाएगा, समझ रहे हैं। 9 और 11 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तीसरा संख्या 20 आ जाएगा, और दूसरा तीसरा संख्या 11 और 20 को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये चौथा संख्या जो 31 है ये आ जाएगा। देख रहे हैं, पीछे वाली दो संख्याओं को आपस में जोड़ रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे, 20 और 31 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 31 हो जाएगा 51। आगे क्या होगा दोस्तों, 31 और 51 को जोड़ेंगे, 31 और प्लस 51 ये जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 1 2 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 82 हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या होगी दोस्तों, 82 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यह प्रश्न किस टाइप का रहा दोस्तों, बस आपस में जोड़ रहा है और आगे बढ़ जा रहा है, ठीक है। 9 11 जोड़े 20, 11 20 जोड़े 31, 20 31 जोड़े दोस्तों 51, 51 एक, देखिएगा 9 11 जोड़े 20 और 11 20 जोड़े 31 हो गया, 20 31 जोड़े तो 51 हो गया, 31 और 51 जोड़े तो क्या हो गया दोस्तों, 82 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ये आपका आंसर राइट हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन वेन डायग्राम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपर में परीक्षा में पूछा गया, बहुत बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं, यानी सही वेन डायग्राम बनाना है, किसका, सृष्टि है, तारे हैं, सूर्य है। दोस्तों वेन डायग्राम के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है समझिएगा दोस्तों, जो वेन डायग्राम में जो शब्द दिए रहते हैं, जैसे इसमें शब्द दिया है सृष्टि, तारे, सूर्य, इन्हीं शब्दों पे आपको विचार करना होता है कि ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है। बस आप दोस्तों थोड़ा सा इन पे विचार कर लेंगे, गौर से ध्यान से देख लेंगे कि ये एक प्रकार से कैसे संबंधित है एक दूसरे से, तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा और इसको सर्किल से प्रदर्शित कर देंगे। तो देखिएगा दोस्तों आपको करना कैसे है, विचार कैसे किया जाता है, सोचा कैसे जाता है। अब आप सोचेंगे दोस्तों सृष्टि क्या होता है, तारे क्या होते हैं, सूर्य क्या होता है, सूर्य क्या होता है, आप सोचेंगे थोड़ा सा ध्यान लगेगा तो सूर्य कहेंगे सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, ठीक है, और ये तारा क्या है दोस्तों, ये सृष्टि क्या है, ऐसे आप सोचेंगे तो आप कहेंगे दोस्तों सृष्टि के अंतर्गत सूर्य तारे सभी आते हैं, क्या आते हैं दोस्तों सृष्टि के अंतर्गत ही आते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा क्या होगा दोस्तों, सबसे बड़ा हो जाएगा दोस्तों सृष्टि, और सृष्टि के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, तारे आते हैं, और तारे के अंतर्गत आता है सूर्य, सूर्य क्या है दोस्तों, तारा है। तो ये क्या आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब समझिएगा क्या हो गया दोस्तों, पहला जो आया ये क्या आया दोस्तों, ये सृष्टि, सृष्टि के अंतर्गत दोस्तों क्या आ गया, सृष्टि के अंतर्गत तारे आ गए, और सूर्य क्या आ गया दोस्तों, तारे के अंतर्गत आ गया, ठीक है, ये सूर्य हो गया। तो इसका वेन डायग्राम दोस्तों इस टाइप से बनेगा, और इस टाइप से दोस्तों देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आए गया तो आप अच्छे से दोस्तों सॉल्व कर लेंगे। क्या करना होता है, बस विचार करना होता है कि एक दूसरे से कैसे संबंधित है। बस आप देख लिए सृष्टि होता है, आप सुने भी होंगे दोस्तों सृष्टि सबसे बड़ा होता है, क्या होता है, अब सृष्टि के अंतर्गत दोस्तों तारा आ जाता है, और तारे के अंतर्गत आते हैं सूर्य, ठीक है, सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, ठीक है। इसी प्रकार से इसका वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, चौथा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और चौथा क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता दूं दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की ई बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे, यूपी ट्रिपल एससी की एग्जाम देंगे, या अदर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे दोस्तों, इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बार बार आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो रिपीट करते हैं दोस्तों। इस ई बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब है एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरे लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे दोस्तों। आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम है तो इसी
ईबुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। दोस्तों इसमें साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बार बार आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों पंचम पब्लिशन इसकी कीमत 150 रुपये रखी थी, लेकिन मेरे कहने दोस्तों ये ईबुक आपको मात्र 25 रुपये मिल जाएगी। इस ईबुक को दोस्तों आप ले कहां सकते हैं, तो दोस्तों इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। उस लिंक के थ्रू इस ईबुक को दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये ईबुक है पीडीएफ नोट्स की तरह है, आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगा, आप मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे। ये मार्केट में ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी। अगर जो दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है, दोस्तों पंचम पब्लिशर का एक कस्टमर केयर नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो आपकी पूरी सहायता की जाएगी। दोस्तों इस ईबुक को मैं खुद देखा हूँ, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ईबुक को एक बार लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और इस टाइप के हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। और दोस्तों पहले आपको थोड़ा सा बता दूं, दोस्तों आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम होती है, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस, कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो दोस्तों आप बेहिचक नीचे कमेंट कीजिएगा, उस चैप्टर का नाम कमेंट कर दीजिएगा, वो चैप्टर भी मैं आपको बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो आपको कहीं पर भी थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, तभी मैं आपको चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों प्रश्न ये क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर कहां पे है, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह दोस्तों यहां पे है और यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम देखते हैं कि दूसरे वाले में यहां 24 कैसे आया, पहले वाले में 20 यहां कैसे आया। जिस प्रकार से दोस्तों इसमें 20 आया है, इसमें 24 आया, उसी प्रकार से दोस्तों हम प्रश्नवाचक चिन्ह वाले को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए 20 लाने के लिए यहां क्या करेंगे, हम इन तीनों संख्याओं से आपस में क्या करेंगे, अगर जो दोस्तों 5 + 4 + 9 इन तीनों को दोस्तों मैं बोलूं कि आप जोड़ दीजिए, तो 5 + 4 = 9, 9 = 9 18 हो जाएगा, और 18 में अलग से 2 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, चलिए ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों ये जोड़ेंगे 3 + 8 + 11, ठीक है, ये 8 × 3 = 11, 11 + 11 = 22 क्या हो जाएगा दोस्तों 22, और 22 में बोलूं दोस्तों 2 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों 24, 24 हो जाएगा ना, चलिए ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों इसमें भी क्या करेंगे, उसी प्रकार से करेंगे 9 और 4 जोड़ेंगे 13, और 13 में दोस्तों 13 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 13 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26, और 26 में दोस्तों क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 28 किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, 28 किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आप देखेंगे दोस्तों किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो प्रश्न दोस्तों ऐसे सॉल्व नहीं होगा, जब ऑप्शन में है ही नहीं तब प्रश्न ऐसे सॉल्व नहीं होगा। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है, अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो देखिएगा दूसरा जो मेथड है, हम देखिए दोस्तों 5 और 4 को क्या करेंगे दोस्तों आपस में गुणा करेंगे, तो 5 × 4 करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, यहां पे देखिएगा 5 × 4 किए दोस्तों क्या हो गया 20 हो गया, और 5 + 4 करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 5 × 4 = 9, 9 यहां पे लिख दिया है, गुणा करके दोस्तों यहां पे लिखा है, जोड़ के यहां पे लिख रहा है, चलिए ठीक है। इसे भी करते हैं दोस्तों 3 × 8 करेंगे तो 3 * 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा, 24 यहां पे लिख दिया, और 3 + 8 दोस्तों करेंगे तो क्या होगा 8 + 3 को जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 11 को यहां पे लिखा, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉल्व होता है, ठीक है। 9 × 4 करेंगे तो क्या होगा 9 × 4 करेंगे तो 9 = 36, 36 को दोस्तों हम यहां लिख देंगे, और दोस्तों 9 + 4 करेंगे तो क्या होगा 9 + 4 करेंगे तो 13 को यहां लिखा है, ठीक है, समझिएगा। तो यहां पे भरा जाने वाला दोस्तों संख्या क्या हो जाएगा, देखिएगा यहां पे भर गया क्या 36 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे सी में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों पांचवा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों आपको इन सब प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर दोस्तों मैं समय समय पर पीडीएफ भी प्रोवाइड करता रहता हूँ, सारे वीडियो को दोस्तों आपको लिंक भी वहां मिल जाएगी, ठीक है, तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैथ में आपको दोस्तों प्रॉब्लम होती है तो मैथ दोस्तों आप मैथ के लिए बेसिक से दोस्तों एक जगह पढ़ा रहा हूं, जिस नया चैनल बनाया हूं आपके लिए, तो वहां पे दोस्तों मैं मैथ बेसिक से 0 लेवल से और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं, कुछ दिनों में दोस्तों वहां जब आपकी मैथ की जब सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगी दोस्तों आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए, तो उसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बेसिक मैथ वाले के, तो वहां पर भी जाकर दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जहां दोस्तों मैं मैथ एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं। मैथ में आपको थोड़ी सी भी दोस्तों प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल
जरूर विजिट करें। देखिएगा दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है। देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है, बिना पेन उठाए सॉल्व होता है प्रश्न, और ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होकर इस प्रश्न को क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, छोड़ा नहीं जाता। कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिएगा लिखा है SUNDAY संडे बराबर क्या है दोस्तों 18, मानसून बराबर मॉनसून MONSOON मॉनसून बराबर क्या लिखा है दोस्तों 21, ईयर YEAR ईयर बराबर क्या लिखा है दोस्तों 12 लिखा है। तो यहां लिखा है दोस्तों थर्सडे बराबर क्या होगा आपको बताना है। तो दोस्तों इसके लिए क्या किया जाता है, देखिएगा हम इसको ये नहीं नंबरिंग करने लगेंगे, यस कितने नंबर पे आता है, यू कितने नंबर पे आता है, एन कितने नंबर पे आता है, डी कितने नंबर पे, ऐसे दोस्तों इसको नंबरिंग नहीं किया जाता इस टाइप के प्रश्न आए तो। ठीक है, क्यों नंबरिंग नहीं किया जाता है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों इन सब संख्याओं का अगर जो जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 18 से कहीं ज्यादा हो जाएगा। मॉनसून को दोस्तों जोड़ेंगे तो 21 से बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर जो बहुत ज्यादा अंक दिया रहता तब क्या करते दोस्तों, हम जोड़ते। ठीक है, जब कम दिया रहे तो जोड़ा नहीं जाता है, तब क्या किया जाता है दोस्तों, हम देखेंगे दोस्तों संडे में कुल कितने अक्षर हैं। देखिए यस एक है, यू दो हो गया, तीन चार पांच छह, कितने हैं दोस्तों संडे में, संडे में कुल कितने अक्षर हैं काउंट करने पे, छह हैं, और छह को दोस्तों लिखा क्या है दोस्तों 18। चलिए आगे आपको बताता हूं। अब देखिए मानसून में कितना है दोस्तों, मानसून में 1 2 3 4 5 6 7 कितना है दोस्तों 7, और 7 को दोस्तों लिखा क्या है 21 लिखा है। अब देखिएगा ईयर में कितना है, 1 2 3 4 4 है, 4 को लिखा क्या है दोस्तों 12 लिखा है। यानी कहने का मतलब है संडे में दोस्तों 6 है तो 6 गुणे 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 18 हो जाएगा। ठीक है, मानसून में दोस्तों कितने हैं, मानसून में 7 है, 7 गुणे 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 21, 7 तरीके 21 हो जाएगा। ईयर में कितने हैं दोस्तों, 4 अक्षर है, 4 गुणे 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना कैसे सॉल्व हो रहा है, समझिएगा। संडे में दोस्तों 6 है तो 6 का 3 गुना कर देंगे 18, और मानसून में दोस्तों कितने अक्षर है, 7 है, 7 का 3 गुना कर देंगे तो 21 हो जाएगा। ईयर में दोस्तों कितना है, 4 है, 4 का 3 गुना कर देंगे तो क्या होगा 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब थर्सडे को काउंट करिए कितना है दोस्तों, और कमेंट भी करिएगा, ठीक है, कि आपने सही किया कि नहीं किया। ठीक है, देखिए ये थर्सडे में काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने अक्षर है दोस्तों 8 है, 8 का क्या करेंगे 3 गुना कर देंगे तो 8 तरीका क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। तो थर्सडे बराबर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा 24 किस ऑप्शन में दिया है, देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा, और आपको दोस्तों ये सब प्रश्न अच्छे लगे हैं, समझ में आए दोस्तों, तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक वाला सिंबल दोस्तों नीचे स्टेप से बना होगा यहां पे प्रेस कर दीजिएगा, शेयर वाला सिंबल दोस्तों इस स्टेप से बना होगा यहां पे प्रेस करके फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं या जिनको दोस्तों हमारे वीडियो की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती, नीचे दोस्तों रेड कलर का इस स्टेप से सब्सक्राइब लिखा होगा दोस्तों, यहां पर क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए, और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, ये नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ऐसे दिखने लगेगा। जब ये दोस्तों ऐसे दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।